हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चिकन बनाएंगे और चिकन हम मैरिनेटेड दम चिकन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने साहित्य लिया है, ये प्याज लिए हैं, मीडियम है, इसमें छोटे छोटे और ये मीडियम है। तो ऐसे करके मैंने प्याज लिए हैं 5 और अदरक लिया है, ये 5-6 इंच अदरक होगा, और 2 बंडल लहसुन है, ये कोरिएंडर लीव्स है, तेज पत्ता है, टमाटर है, और फिर ये जावित्री है, ये मेथी दाना, ये जायफल का मैंने ये टुकड़ा लिया है, और ये 4 छोटी इलायची, लौंग, ये एक स्टार एनिस, कर्णफूल, और दालचीनी ली है मैंने, और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और 3 बड़ी इलायची, शाहजीरा, और 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है। तो गैस, इतना साहित्य जो मैंने लिया है, तो मैं बाद में गरम मसाला नहीं डालूंगी, जो घर का रहता है या फिर रेडीमेड जो रहता है गरम मसाला अपन ऊपर से डालते हैं, तो वो मैं नहीं डालूंगी, इसलिए मैंने ये पूरे मसाले ले लिए हैं। तो आप इसमें मसाले, अगर वो मसाला आप डालते हो तो वो स्किप भी कर सकते हो इसमें का कुछ मसाला, क्योंकि फिर नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मसाला मसाला हो जाता है इसीलिए। तो गैस, अभी हम सबको इसको पीसेंगे। गैस, हमने तेज पत्ते इतने सारे लिए, तो 2 हम तेल में डालने के लिए रखेंगे और बाकी इसमें डालेंगे पीसने के लिए। और हमने 1.5 किलो चिकन लिया है इसके लिए। यह हमने 1.5 किलो चिकन लिया है को पीस, अभी हम इसको पीसेंगे। हम ये अभी पूरा मसाला इसमें डाल देंगे चिकन में। अभी हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप जितना तीखा खाते हो उतना आप डालिए, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने हल्दी डाली है और नमक स्वादानुसार, आपको जितना चाहिए उतना। और मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी, आप चाहे तो दही भी डाल सकते हो 1/2 चम्मच या ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको खट्टा पसंद हो। मैंने टमाटर डाला है तो मैं दही नहीं डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और आधे घंटे के लिए रख देंगे, आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हो, लेकिन ये मसाला है तो फिर गर्मी के दिनों में अच्छा नहीं रहता इतना ज़्यादा देर बाहर, तो फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। तो ये हमारा मिक्स हो गया है, हम इसको भी आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। गैस, हमने ये पतीला रख दिया है, अभी ये हमने जार तले का लिया है, तो अभी हम इसमें तेल डालेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद है आप अपने हिसाब से डालिए तेल, अगर नहीं पसंद तो कम तेल में भी हो जाता है ये, तो मैं तेल अपने हिसाब से डालूंगी। तेल को गरम होने देंगे, तेल गरम हो गया है, हम ये तेज पत्ता डालेंगे।
और फिर हमने ये मैरिनेट किया है ये डालेंगे। जैसे हमने घुमा लिया है, हमारा अभी तेल में अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें सिम में पकाएंगे ढक के, गैस को हम कम कर देंगे। अभी हम इसको ढक कर रख देंगे, ऐसा ढक कर रख देंगे ताकि हमारी भाप ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो। ऐसा नहीं रखेंगे हम, ऐसा रखेंगे ताकि वो भाप से ही पके। गाइस बीच में हम थोड़ा सा देखेंगे भी, चलाते भी रहेंगे क्योंकि वो हमारा मसाला जो है लग ना जाए, जल ना जाए, इसीलिए हम बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे इसको स्टर भी करते रहेंगे। जैसा कि हम इसको बीच बीच में घुमाते रहेंगे, यह हमारा पक रहा है। अभी इसको और थोड़ा सा पकने देंगे, ढकेंगे इसको। गैस हमारा चिकन पक गया है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी रख सकते हो अगर आपने लाल मिर्च और नमक कम डाला हो, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए थी। तो अभी मैं पानी डालूँगी, मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है। और मैं एक गिलास डालूँगी और इसको गैस को फास्ट करूँगी और एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। गैस हमारा चिकन पक गया है, इसमें उबाल आ गया है। अभी हम इसको कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। और गैस को बंद कर देंगे।